हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं स्काई गुरुकुल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 10 BCA कॉलेजेस ऑफ ग्रेटर नोएडा। जी हां दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उन टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में जहां से अगर आप BCA कर लेते हैं तो आपको प्लेसमेंट मिलना बहुत ज्यादा कन्फर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा चांसेज होते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि 100% आपको प्लेसमेंट मिल ही जाएगा, बट बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि वहां से आपको प्लेसमेंट मिल जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं, उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर जानना चाहते हैं कि उन सभी कॉलेजेस में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, क्या एडमिशन क्राइटेरिया है और वहां का प्लेसमेंट रेशियो क्या है। तो अभी तक अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही कॉलेज रिव्यूज के लिए, कैरियर काउंसलिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले कॉलेज की बात करें, जो सबसे पहले नंबर पर कॉलेज आता है वह है आपका शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, जो कि NAC B ग्रेड अप्रूव्ड है। ठीक है, आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पे BCA फीस की, BCA कोर्स की फीस की, तो यहाँ का जो BCA कोर्स का फीस है 1,40,000 रुपए फर्स्ट ईयर का फीस है। ठीक है, अगर टोटल फीस की बात करें तो अप्रॉक्स यहाँ पे आपको BCA कंप्लीट करने के 4.25 लाख, मतलब कि अप्रॉक्स 4,20,000 के करीब आपको यहाँ पे BCA कंप्लीट हो जाएगा। बात करें यहाँ पे एडमिशन की, तो एडमिशन आपको एंट्रेंस के थ्रू मिलता है, जिसका जो कि शारदा यूनिवर्सिटी खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती है, जिसका नाम है SUAT, शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, जिसके थ्रू आपको BCA में एडमिशन मिलता है। अभी बात कर लें आपके प्लेसमेंट रेशियो की, तो मैं आपको बता दूं कि जो शारदा यूनिवर्सिटी एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है, काफी रिनाउड कॉलेज है, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी MNCs, बड़ी बड़ी कंपनी जाती रहती है, तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट की दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप यहाँ से एक अच्छे स्किल्स के साथ अपने BCA को कंप्लीट करते हो तो आपको एक अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो नेक्स्ट जो कॉलेज है वो आपका है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है, एक रिनाउड कॉलेज है, प्रेस्टिजियस कॉलेज है। यहाँ की फीस की बात करें तो काफी कम फीस है, 1 ईयर का आपको यहाँ पे फीस पड़ेगा, फर्स्ट ईयर का 70,000 के अप्रॉक्स फीस पड़ेगा। मैं आपको बता दूं ये सब फीस आपके ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो हमारे वेबसाइट को जरूर चेक करा दीजिए, वहां पे हम अपडेट करते रहते हैं हर कॉलेज का फीस और उनसे रिलेटेड जितने भी कॉलेज रिव्यूज, जितने भी डाटा है, वो सब आपको skygurukul.com पे मिल जाएगा। तो गूगल पे जाकर के skygurukul.com लिख करके पूरा जानकारी आप ले सकते हैं। बात करें यहाँ पे एडमिशन की, तो ये एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, और बात करें यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा, UGC अप्रूव्ड है, AICTE के थ्रू अप्रूव्ड है ये भी कॉलेज। ठीक है, अभी बात करें नेक्स्ट कॉलेज की, तो नेक्स्ट जो कॉलेज है वो आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। मैं आपको एक चीज पहले बताना चाहूंगा कि ये जितने भी कॉलेजेस मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन सभी कॉलेज में आपको BSc CS भी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, BSc CS। ठीक है, तो आप लोग इन सभी कॉलेजेस में BSc CS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी आपका एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, UGC अप्रूव्ड है, काफी अच्छा यूनिवर्सिटी, रेनाउल्ड यूनिवर्सिटी है। और बात करें यहाँ पे प्लेसमेंट की, तो काफी अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, स्टडी इन्वायरमेंट काफी अच्छा है। बात करें फर्स्ट ईयर की फीस की, तो 87,000 फर्स्ट ईयर की फीस है यहाँ पे, एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता है, CUET के थ्रू एडमिशन चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, 12th में आपके 50% प्लस होने चाहिए, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के साथ आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो कॉलेज है ना, वो काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेज है, काफी ज्यादा नाम आप लोगों ने सुना होगा, और उसके काफी सारे कैंपसेस चलते हैं इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया भी चलते हैं। ठीक है, उस कॉलेज का नाम है MET यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, MET यूनिवर्सिटी एक काफी अच्छा और काफी रिनाउड कॉलेज है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा के अंदर फीस की बात करें तो फीस काफी ज्यादा है थोड़ा, ठीक है, काफी ज्यादा तो नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा ज्यादा है एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए, जिसमें कि आप लोग, हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो फीस आपको पड़ेगा फर्स्ट ईयर का 2 लाख अप्रॉक्स फीस पड़ेगा आपको। ठीक है, और वो पूरा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ प्लेसमेंट यहाँ का काफी अच्छा है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी रिनाउल्ड यूनिवर्सिटी है और काफी सारे ब्रांचेज हैं, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती रहती हैं। अगर आप एक अच्छे मतलब कि स्किल्स के साथ अगर प्लेसमेंट बैठते हो तो आपको एक अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे भी मिल जाएगा। बात करें एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता है, डायरेक्ट एडमिशन भी यहाँ पे होता है, मिनिमम आपको 55% चाहिए होता है क्लास 12th में। ठीक है, UGC अप्रूव्ड ये भी कॉलेज है। नेक्स्ट बात करें तो आपका GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत ही रिनाउल्ड कॉलेज है, बहुत ही नामी कॉलेज है ग्रेटर नोएडा के अंदर। ठीक है, BCA के लिए, टेक्निकल कोर्सेज के लिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज के लिए। बात करें यहाँ का टोटल फीस, तो आपको टोटल फीस यहाँ पे 2,86,000 के करीब फीस है। टोटल फीस की अगर बात करें हम BCA कोर्स की, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो बात करें आपके एवरेज प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे जो आपको एवरेज प्लेसमेंट 4-5 लाख का देखने को मिल जाएगा, मतलब एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट है, मतलब आपको बात करें तो पर डे आपको क्लासेस हो सकता है लेने पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट है, काफी स्ट्रिक्ट कॉलेज है। एडमिशन आपको दोनों फॉर्म में मिल जाता है, डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है, एंट्रेंस बेस भी एडमिशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका BNET यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही रिनाउल्ड, बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। ठीक है, तो BNET यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन आपको SAT इंडिया के थ्रू मिलता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिलता है। टोटल फीस की बात करें तो टोटल फीस आपका 6.93 लाख, मतलब कि 7 लाख के अप्रॉक्स पड़ जाता है। फीस ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसका आप लोग पूरा डाटा जो है हमारे वेबसाइट पे देख लीजिए, वहाँ पे अपडेट होता रहता है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 2016 का एस्टेब्लिशमेंट है, UGC अप्रूव है, एडमिशन आपका 10th 12th में 50% के प्लस होना चाहिए और एंट्रेंस एग्जाम
प्रोग्राम के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो कॉलेज है आपका सातवें नंबर पे वो है GNIOT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्रेटर नोएडा। ये भी काफी एक अच्छा कॉलेज है। ठीक है, अगर बात करें तो ये MHRD अप्रूव्ड है, AKTU के साथ एफिलिएटेड है, AICTE के थ्रू एफिलिएटेड है। ठीक है, बात करें एस्टैब्लिशमेंट पे तो 2001 का एस्टैब्लिशमेंट है। ठीक है, तो सोच सकते हो कितना पुराना कॉलेज है। ठीक है, फीस की बात करें तो आपका पर एनम की बात करें तो 75,000 to 76,000 यहाँ का पर एनम का फीस है। फीस एवरेज ठीक ठाक है, मतलब अगर बात करें अदर कॉलेजेस के रिस्पेक्ट में तो ठीक ठाक कॉलेज है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे 12th में तो 12th में 50% प्लस होना चाहिए, आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है, मेरी बेस भी एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है आपको देखने को। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करें तो 3 to 4 lakh का आपको एक एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, और काफी अच्छा और काफी रिनाउंड कॉलेज है, प्रेस्टिजियस कॉलेज है, इसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं BCA के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेज। ये काफी स्ट्रिक्ट कॉलेज, मैं आपको बता दूं बीसीए के लिए काफी स्ट्रिक्ट और काफी बेहतरीन कॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे आपको अटेंडेंस काफी देना पड़ता है, अगर ऐसा नहीं कि आप कॉलेज मिस आउट कर सकते हो। ठीक है, कॉलेज मिस करने का बिल्कुल भी परमिशन नहीं होता, काफी स्ट्रिक्ट कॉलेज है, इसलिए यहाँ का प्लेसमेंट भी आपको काफी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है रिस्पेक्ट टू अदर कॉलेजेस। ठीक है, और बात करें AKTU अप्रूव्ड कॉलेज है, NAC अप्रूव्ड है, NBA अप्रूव्ड है, PCI अप्रूव्ड है, BTC अप्रूव्ड है, ठीक है, BCT। ठीक है, और बात करें प्लेसमेंट की तो 2 to 4 lakh का एक एवरेज प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, स्कॉलरशिप अवेलेबल है, काफी ज्यादा स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, बात करें एडमिशन का तो यहाँ पे एडमिशन एंट्रेंस के थ्रू होता है, CET के थ्रू होता है, SAT के थ्रू, बहुत सारे एडमिशन के थ्रू एग्जाम्स होते हैं, वो पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना। JEE मेंस के थ्रू भी एडमिशन होता है, GVAT के थ्रू भी एडमिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 9वें नंबर पे जो यूनिवर्सिटी आता है वो है आपका मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि काफी अच्छा रिनाउड कॉलेज है, जिसको कि हम MIET के नाम से भी जानते हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा में है, एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 2002 का एस्टैब्लिशमेंट है, मेरिट बेस भी एडमिशन होता है और एंट्रेंस बेस भी एडमिशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, एवरेज प्लेसमेंट 3.5 lakh पर एनम का आपको प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट में कॉलेज की बात करना चाहूंगा तो वह आपका नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एडमिशन आपको 12th के मेरिट बेस पर हो जाता है और फीस वहीं अप्रॉक्स 70,000 के करीब का है, और एवरेज प्लेसमेंट आपको 2 to 3 lakh का मिल जाता है, हाईएस्ट प्लेसमेंट जो यहाँ पे गया हुआ है वो 10 lakh का हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक गया हुआ है। तो ये से टॉप 10 ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस जहां से आप बीसीए करके एक अच्छा प्लेसमेंट देख सकते हो, एक अच्छा प्लेसमेंट आपको देखने को मिल सकता है। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, अगर आपका इन कॉलेजेस से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें, स्काई ग्रुप को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें, और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पे भी ग्रुप को ज्वाइन कर लें। कोई भी सवाल हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।